आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ ये इंतहाई अहम वीडियो है और इंशाल्लाह इससे बहुत सारे शिकारी आप इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। इससे पहले मैं अपने चराई फार्मूले की 6 वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ और उससे बहुत सारे शिकारियों ने फ़ायदा हासिल किया और उनको गेम भी हुए है। तो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे जी कि रोहू की चराई बताएं, तो इससे पहले मैं रोहू की चराई शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये भी रोहू की चराई है और इसमें जो अज्जा शामिल कर रहा हूँ मैं 12 अज्जा हैं। तो इसमें मैंने 3 कॉलम सेग्रीगेट किए हैं। पहले कॉलम में कम क्वांटिटी है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो दो नंबर कॉलम इस्तेमाल करें, और अगर 2 केजी के करीब बनाना चाहें तो वो मैंने आप 3 नंबर कॉलम इस्तेमाल करें। तो ये मैंने आसानी पैदा कर दी है लोगों के लिए कि जो कम से कम चराई बनाना चाहें वो 1 कॉलम यूज़ करें, जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं 2 नंबर, और जो इससे भी ज़्यादा बनाना चाहें तो कॉलम नंबर 3 में इस्तेमाल करें। तो इससे पहले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने उस पर गेम भी हुई है उनको और उन्होंने मुझे पैगाम भी भिजवाए हैं। तो आज मैं आपके लिए ये रोहू की वीडियो में मैं आपको जो चराई पाउडर बता रहा हूँ ये आपने एज ए ग्राउंड बाइट और वीट चराई इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आप चारा इसमें केचवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने हुक को लगाना है, और उसके बाद आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी किसी किस्म का चारा जो आप अपनी हुक बाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें, और साथ में ये चराई पाउडर आप ग्राउंड बाइट और वीट चराई खेलें और इनशाला आपको गेम होगी और आपको इससे कामयाबी होगी। तो इस मरतबा मैंने कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, कोई इंडिया से कोई बांग्लादेश से, तो मैंने कोशिश की है कि हिंदी में भी ये फार्मूला शेयर किया है, उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी ये फार्मूला शेयर कर रहा हूँ और बंगला में भी ये फार्मूला शेयर कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो, रोहू की चाई पाउडर एज ए ग्राउंड बाइट एंड वेट चाई किस तरह तैयार करते हैं और इसकी क्वान्टिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको जो फार्मूला बता रहे हैं ये स्पेशल रोहू के लिए है, तो इसमें जो अज्जा शामिल होते हैं वो आपसे ये सर स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। आप नंबर 1 कॉलम जो है आपने ये वाला फार्मूला अगर कम तादाद में बनाना चाह रहे हैं तो ये नंबर 1 वाला कॉलम आप इस्तेमाल करें, इसमें जो अज्जा शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो फार्मूला मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ ये रोहू के लिए स्पेशल है, तो आप जो अगर कम तादाद में बनाना चाहें तो ये कॉलम नंबर 1 आपने चूज़ करना है, अगर ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो ये कॉलम नंबर 2 आपने इस्तेमाल करना है, अगर इससे ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब बनेगी क्वांटिटी, तो आप फिर ये कॉलम नंबर 3 जो है ना ये इस्तेमाल करें आप। तो वैसे आप कॉलम नंबर 1 इस्तेमाल करें, इकनॉमिकली भी आपके लिए सही रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या अज्जा शामिल किए हैं। नंबर 1 पे दोस्तों मैंने ये ली है कपूर कचरी, नंबर 2 पे है कपूर कचरी 50 ग्राम आपने लेनी है, नंबर 2 पे नागर मोथा है ये आपने 35 ग्राम लेना है, नंबर 3 पे बालचड़ है, बालचड़ अगर गोल्डन मिल जाए तो बेहतर है, गोल्डन अगर नहीं मिलता तो काले रंग का भी चल जाएगा, ये आपने 50 ग्राम लेना है, इसका वर्च है और ये 70 ग्राम लेनी है आपने, टिम्बर है टिम्बर आपने 50 ग्राम लेना है, जड़ पान है ये आपने 35 ग्राम लेना है 35 ग्राम, नरकचूर है ये आप 50 ग्राम लें इसको, मुश्कदाना है मुश्कदाना आपने 30 ग्राम लेना है, और नंबर 9 पे है बादयान खताई आपने 50 ग्राम लेनी है, नंबर 10 पे है जलवत्री आपने 25 ग्राम डालनी है, और नंबर 11 पे है जैफल आप 3 से 5 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल वज़न तकरीबन 450 ग्राम का राउंड बनेगा ये, लेकिन यही मकदार में रखेंगे तो आप अगर ये जैफल बढ़ा लेंगे तो ये तकरीबन वही 450 ग्राम के राउंड बोर्ड फिगर बनेगी आपकी। तो ये आप बनाएं और इंशाल्लाह खेलें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो बहुत सारे दोस्तों ने इंडिया से फ़ोन कॉल भी किए और मैसेजेस भी किए, तो हमें इंग्लिश में या हिंदी में अगर आप जड़ी बूटी का नाम बताएं, तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों के लिए ये हिंदी में फार्मूला शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये कोशिश करें आपके नंबर 1 वाला का फार्मूला आप बनाएं। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो नंबर 1 पे है कपूर कचरी 50 ग्राम आपने बनानी है, नंबर 2 है नागर मोथा 35 ग्राम, नंबर 3 पे है बालछड़ ये गोल्डन बालछड़ आप इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ना मिले तो काले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं,
नंबर चार पे वर्च है, वर्च आपने 70 ग्राम लेनी है। वर्च के बाद नंबर पाँच पे है टिम्बर, टिम्बर आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है। तो उसके बाद नंबर छः पे पान जाड़ है, ये आपने 35 ग्राम इस्तेमाल करनी है। नंबर सात पे नरकचूर है, ये आपने 50 ग्राम लेना है। और नंबर आठ पे मुश्कदाना है, मुश्कदाना आप 30 ग्राम इस्तेमाल करें। और नंबर नौ पे बादियान खताई है, ये आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है। नंबर दस पे जलवत्री है, जलवत्री आपने 25 ग्राम इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह नंबर 11 पे जैफल के आपने 5 दाने इस्तेमाल करने हैं। और नंबर लास्ट पे है संदल का बुरादा, ये आपने 25 ग्राम इस्तेमाल करना है। तो ये टोटल वेट तकरीबन आपका 475 ग्राम बनेगा। तो ये मैंने गलती से 25 ग्राम लिखे थे, लेकिन आपने 50 ग्राम लेने हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं तो ये नंबर दो वाला कालम इस्तेमाल करें। पाउडर अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं 1 किलो के करीब, तो आप ये कालम इस्तेमाल करें। कपूरकची 100 ग्राम, नागरमथा आपने 70 ग्राम लेना है। इसी तरह बालचढ़ आपने 100 ग्राम, वर्च आपने ले लेनी है 140 ग्राम। बालचढ़ आपने 100 ग्राम कर लें, वर्च आपने 140 ग्राम कर लेनी है। इस तरह ये टिम्बर आपने 100 ग्राम कर लेनी है, जड़ पान 70 ग्राम कर लेनी है, नरकचूर 50 की जगह आपने 100 ग्राम कर लेना है, मुश्कदाना आपने 60 ग्राम कर लेना है, बादियान खताई आपने 100 ग्राम कर लिए, और जलवत्री 50 ग्राम कर लिए, और संदल का बुरादा 50 ग्राम कर लें, और जैफल के दाने आपने 10 दाने कर लें। तो ये अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तकरीबन 2 kg के करीब, तो आप ये वाला कालम नंबर 3 वाला कालम यूज़ करें। और ये टोटल तकरीबन 2 किलो के करीब आपकी ये बनेगी चराई। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले कालम की चराई बनाएं, ये वाली, तो ये इंशाल्लाह आप कामयाबी होगी आपको। तो उनकी फरमाइश पे ये मैंने वो भी मेरे फार्मूले से फ़ायदा उठा सकें। तो ये नंबर वन पे मैंने आपसे ये कहूँगा, ये नंबर वन वाला फार्मूला आप बनाएं। अगर इसको डबल करना चाहते हो तो नंबर टू, और इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो नंबर थ्री आप कार्बन फार्मूला रखें। तो इसमें जो अज्जा मैंने शामिल किए हैं, नंबर वन पे है कपूर कचरी, ये 50 ग्राम लेनी है आपने। नंबर दो पे है नागरमोथा, नागरमोथा 35 ग्राम लेना है आपने। नंबर तीन पे है बालचढ़, बालचढ़ आपने 50 ग्राम लेना है। नंबर चार पे है वर्च, वर्च आपने 70 ग्राम लेनी है। और नंबर पाँच पे है टिम्बर, टिम्बर आपने 50 ग्राम लेना है। नंबर छः पे है पान जड़, ये आपने 35 ग्राम लेनी है। नंबर सात पे नरकचूर आप 50 ग्राम कर लेंगे। और इसी तरह बांग्लादेश से भी कुछ कॉल्स और मैसेजेस आए, तो मैंने ये बंगला में भी ये फार्मूला आपसे शेयर करने की कोशिश की है। बंगला मुझे वैसे आती तो नहीं, लेकिन ये मैंने फार्मूला बंगला में शेयर किया है। तो आप नंबर वन वाला का आप कालम इस्तेमाल करें, ये आप चराई इस्तेमाल करें। कपूर कचरी 50 ग्राम, नागरमोथा 35 ग्राम, गोल्डन हो या ब्लैक दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीन पे, नंबर वन पे कपूर कचरी 50 ग्राम, नंबर दो पे नागरमोथा 35 ग्राम, नंबर तीन पे बालचढ़ ब्लैक या गोल्डन 50 ग्राम, वर्च आपने 70 ग्राम, टिम्बर आपने 50 ग्राम लेनी है, जड़ पान आपने 35 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, ये आपने 50 ग्राम करना है। और इसी तरह मुश्क दाना आपने 30 ग्राम करना है, बादियान खताई 50 ग्राम, जलवत्री 25 ग्राम, और जैफल 5 दाने आपने इस्तेमाल करने हैं। ये संदल का बुरादा आपने 25 ग्राम लेना है। तो ये तकरीबन 475 ग्राम बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे आपने जो नरकचूर है ये 25 की जगह 50 ग्राम करना है। तो मेरे दोस्तों ये आप फार्मूला खेलें, इंशाल्लाह आपको इस पर कामयाबी होगी। तो दोस्तों रोहू पकड़ने के बेस्ट फार्मूला है ये। तो ये मैं अब इंग्लिश में दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। फ्रेग्रेंट रूट्स कपूर कचरी 50 ग्राम, बुलरश नागरमोथा 35 ग्राम, मुश रूट्स वेलरिन रूट्स भी कहते हैं इसको 50 ग्राम, वाचा एक्रोस क्लामोस भी कहते हैं इसको 70 ग्राम, टिम्बर 50 ग्राम, क्लंजन 35 ग्राम, येलो जडोरिया करकम जडोरिया 50 ग्राम, मुश सीड 30 ग्राम, स्टार एनस 50 ग्राम, मैच जलवत्री 25 ग्राम, नटमक आपने 3 से 5 बुरादा
25 ग्राम। तो दोस्तों अभी तक भी जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।